और आप जय लोग गुरु देव, सभी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु देव, सभी ने मानसिक जय जप किया। जय गुरु देव, जय गुरु देव, सभी ने मानसिक जप किया। जय गुरु देव जी, जय गुरुदेव, आप सभी को जय गुरुदेव। गुरु भाई बहन सब, आप सभी को अपने मन में जय सभी को, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव सभी को जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी ने मानसिक जप किया सभी के लिए, तो हमारी प्रार्थना जरूर ईश्वर कबूल करेंगे, जरूर हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और जो भी भाई बहन, गुरु भाई बहन, या फिर और भी जो भी अन्य सदस्य हैं, जो भी इस सृष्टि में हैं, जो भी इस अभी इस विपत्तिक काल में जो भी पीड़ित हैं, जो सफर कर रहे हैं COVID-19 से, उन सभी को लाभ पहुंचे, हमारी यही प्रार्थना है। और हम लोग ऐसे ही मंत्र जाप करें मानसिक जप से, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जपता है तो ये मंत्र इतना, ये संजीवनी मंत्र है। इससे गुरुदेव ने कहा कि मौत के मुंह से भी आप इंसान खींच के करके वो बाहर आ सकता है। तो अगर हम लोग सामूहिक तौर पर अगर मानसिक जप करते हैं इस संजीवनी मंत्र का, तो सोचिए कितना प्रभावशाली होगा ये मंत्र, और ये पूरे सृष्टि का कल्याण हो सकता है अगर सभी कोई ऐसी मानसिक जप करें लगातार। तो यही कहूंगी कि लगातार सभी कोई मानसिक जप करते रहिए, नाम जप को ढीला मत छोड़िए, नाम जप ही चाबी है। जय गुरुदेव आप सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा था कि मुझे वो शिष्य प्रिय जो नाम जप कर रहा है और ज्ञान कर रहा है और सातों कोष चेतन हो जाए मेरी गुरु कृपा से। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर, बहुत अच्छी बात कही सर। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। प्रेम भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय। आज का मन संचालन आप करेंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव जी। गुरु बहन एक चीज कहना चाहता हूँ मैं जी, बोलिए। एक्चुअली आज का जो सेशन है ना, तो आज जो हृदय का दर्शन के बारे में ट्विटर के माध्यम से कैसे दर्शन की जानकारी मिले लोगों को, तो इस पे आज का विशेष चर्चा ट्विटर के ऊपर होगी। काफी अपने गुरु भाई यहाँ पे जुड़े हुए, दुर्गे जी है, तो मैं चाहता हूँ आज रामलाल जी साहब को मंच दिया जाए, क्योंकि ट्विटर पे ये भी बहुत ज्यादा वो एक्टिव है, तो इस मामले में बहुत समझा सकते हैं जी। गुरु बहन मेरे यही याद है। जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामलाल जी। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ जय गुरुदेव गुरु भाई। ट्विटर पे हम लोग कैसे गुरुदेव का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो अगर आप इस पे कोई कुछ प्रकाश डालना चाहे कृपा करके गुरु भाई, तो कृपया डालिए जी। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। हम सब ने आज 15 मिनट का गुरुदेव के चरणों में बैठ करके ध्यान किया, ये हमारे लिए असीम कृपा है। और साथ में 10 मिनट इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर इस मंत्र का गुंजायमान, उस मंत्र के माध्यम से सृष्टि के अंदर शांति की स्थापना हो। गुरुदेव ने कहा था कि विश्व शांति की स्थापना बाहर से जो प्रयास किए जा रहे हैं बिल्कुल असफल हो गए हैं, जब तक अंदर उतर करके विश्व शांति के लिए कार्य नहीं किया जाएगा असंभव है। और हम जब मंत्र जपते हैं तो सब हम अंदर उतर करके इसके लिए कामना करते हैं, इसलिए गुरुदेव के मंत्र से, गुरुदेव के संजीवनी मंत्र से संपूर्ण सृष्टि के अंदर शांति की स्थापना होगी, आसपास के वातावरण में शांति स्थापित होगी। जो सर्वे भवंतु की सुखने की कामना है, सर्वे संतु निरामय की जो हमारी कामना है, हमारा जो संकल्प है वेदों का वह पूर्ण होगा। यह बहुत सुंदर कार्य है। और सभी बैठ करके, मैं तो कहता हूँ कि हम यहाँ पर बैठ करके जो ध्यान मंत्र जाप किया उसके साथ ही हम लोग अपने घर पे बैठ करके भी जितना समय मिलता है, अभी हम सब फ्री है, अपने परिवार के साथ बैठ करके मंत्र जाप करें और सबके मंगल की कामना करें। और हम इस सेशन का शुरुआत करते हैं, और मैं इस सेशन में आज हमारे बीच में दुर्गेश्वर जी गुरु भाई जो बीकानेर से हैं हमारे बीच में आए हैं, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप इस मंच पर आए और अपना कैमरा भी ऑन करें और साथ में अपने गुरुदेव की जो आपके जीवन की यात्रा के एक दो बहुत सुंदर जो दिव्य दिव्य अनुभूतियों में से एक दो अनुभूति हम सबके बीच में रखें। और साथ में ही जो हम आगामी एक मिशन के रूप में काम करने जा रहे हैं कि हम दुनिया में गुरुदेव का, जो दुनिया में जन जन है, अंतिम मनुष्य तक गुरुदेव का संदेश पहुंचा दे। गुरुदेव ने कहा था कि मैं इस धर्म का ठेकेदार नहीं हूं, आप सबको भी अपने अपने स्तर पर गुरुदेव का कार्य करना है। तो दुर्गेश्वर गुरु भाई ने एक मिशन लिया अपने हाथ में कि हम गुरुदेव का कार्य जन जन तक पहुंचाएं और हम योद्धा बन जाएं, सिपाही बन करके अपना हथियार उठा करके, और हमारा हथियार अपना ट्यूटर होगा।
इसलिए मैं दुर्गेश्वर गुरुभाई को सबसे पहले आमंत्रित करूंगा कि इस विषय पर आए, सबसे पहले अपने जीवन की सुंदरतम अनुभूति, एक दो अनुभूति जो गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए आपने प्राप्त की वो बताए सबको, ताकि सबका उत्साह आनंद होगा, और उसके बाद में ट्विटर हैंडल के बारे में संक्षिप्त सा परिचय दे। जय गुरुदेव गुरुभाई। जय गुरुदेव जी। गुरुभाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। आपका गुरु सियांग के दरबार में आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव जी। आप सबने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिंगू जी ने आज मुझे कहा कि आप आइए, मैं हमेशा दूर ही रहता हूँ, सबसे दूर रहता हूँ। देखिए मेरा मानना एकदम अलग से है। पंजाबी लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा था, चिड़िया नाले में बाज लड़ावा, सवा लाख नाल एक लड़ावा, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। मतलब वो उनके कहने का मतलब ये था कि मेरा एक शिष्य जो है वो सवा लाख के बराबर है, यदि वो मेरा सच्चा खालसा है, सच्चा शिष्य है। तो उनके कहने का मतलब ये था कि यदि वो गिदड़ भी है तो वो शेर बन जाएगा और ये तो लड़ जाएगा, ठीक है, और वो अकेला सवा लाख के साथ लड़ सकता है। और उनके शिष्यों ने ऐसा करके भी दिखाया और वो लड़े भी सवा लाख के साथ। तो मेरा सोचना ये था कि भाई मैं सवा लाख के बराबर हूं, इसलिए मैं सबसे अलग ही था, मैं आप सब के संपर्क में नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि जितना समय मैं आपके साथ बैठ करके मैं उतना समय गुरुदेव के कार्य को दूं, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेजों से पता लेता था भाई, और अंग्रेजों को ही बताना चाहता था। हुआ ये था कि मेरे साथ जो घटना हुई वो बड़ी अजीब सी थी। मैं गुरुदेव से जुड़ा तो मुझे पहला प्रेडिक्शन जब हुआ, तो वो प्रेडिक्शन आप लोग यदि समझ पाओगे तो ठीक है, नहीं समझ पाओगे तो मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। हुआ ये कि मुझे लगा जैसे मेरे घर के पास एक खंभा है, उस पर एक सफेद रंग का कबूतर बैठा है, वो उड़कर आता है मेरे पास, मैं मतलब मेरी छत पे खड़ा हूं, वो सफेद कबूतर को देख रहा हूं मैं, वो सफेद कबूतर उड़ के आता है, एक एंजल में बदल जाता है, और मुझे एक छोटी सी पुस्तक समझ लीजिए या कई तय किया हुआ कागज जो है वो मुझे देता है और मुझे कहता है इलिया नबी का आपके लिए संदेशा आया है, और वो पुस्तक मेरे हाथ में पकड़ा देता है। मैं उस पुस्तक को या जो भी है मैं उसको खोलता हूं, तो मैं उसमें देखता हूं कि उसमें कुछ भविष्यवाणियां लिखी हुई है, तो मैं एक तो पढ़ता हूं और उसके बाद कहता हूं नहीं, ये भविष्यवाणी की पुस्तक जो है वो मुझे नहीं पढ़नी चाहिए और ना ही किसी को ये पता लगनी चाहिए, तो मैं उसको फाड़ देता हूं और फेंकता नहीं हूं, मैं उसको खा लेता हूं और खा के निगल लेता हूं। मतलब जो भविष्य में होना है वो किसी को पता नहीं लगे, इवन मुझे भी पता नहीं लगे, इसलिए मैंने उस पुस्तक को खा लिया। मैं फिर संपर्क में आया बाइबल के, बाइबल में जब मैंने ये वृतांत पढ़ा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये बात यहां ऐसे कैसे लिखी है, मतलब सेम वही बात जो मेरे साथ हुई वो कि वही बात बाइबल में लिखी हुई है, मेरे समझ से परे हो गई। मैंने कहा ये क्या चीज है। लेकिन होता ये था कि मैं अंग्रेजों को देख करके मैं मेरा मेंटल इम्बैलेंस हो जाता था, मतलब पागल हो जाए ना आदमी, मेरे मतलब ये खुजाल चलती थी जैसे मैं जाके इससे कुछ कहूं, क्या कहूं इससे, ये कुछ भी पता नहीं। हम पढ़े हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर, जहां सिक्स क्लास में एबीसी पढ़ते हैं, अंग्रेजी आती नहीं। मैंने कहा महाराज मरवा दिया आपने, ये क्या काम सौंप दिया मेरे। लेकिन वो अंग्रेज दिखते हैं मेरे को, मतलब सड़क पे जा रहा है उसको देख करके मैं पागल हो जाता। आखिर स्थिति ये हो गई कि वो मेरे को पहुंचा देता उनके पास,
मैं उनके पास जाके गाड़ी रोक लेता और फिर शुरू हो जाता जो भी आता उससे, और कुछ भी नहीं, कोई लिटरेचर नहीं, कोई कुछ नहीं, फोन निकालता अपना, गुरुदेव की वेबसाइट दिखाता और उसको कहता है देख भैया ये कॉपी कर ले, ये तेरे काम आएगा, कहके उसको राम राम करके निकल जाता। ये होने लगा मेरे साथ। फिर मैंने कहा अब ये इस तरह मानेगा नहीं, ये जबरदस्ती करने लग गया, लोग मुझे पागल कहें इससे अच्छा समझदारी दिखाते हैं अपन अंग्रेजों से मिलना शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ बीकानेर के अंदर एक जूनागढ़ है जहां फॉरनर्स आते हैं, वो फॉरनर्स आते हैं वहां से कई ग्रुप आते हैं, तो मैंने कहा चलो अपन वहां चलते हैं प्रचार करने के लिए। अब प्रचार सामग्री के नाम पे इंग्लिश में पैम्पलेट जो अवेलेबल हुए उनसे हम चालू हो गए, बांटना शुरू किया लोगों को। शेखरन जी बीकानेर आए तो मैं उनको लेके गया, मैं और शेखरन जी गए, वो और मैं गए वहां पे, मैनेजर से मिले। मैनेजर से मिलने के बाद हमने परमिशन ली कि भाई हम इस जूनागढ़ फोर्ट के अंदर ये पर्चे बांट दें गुरुदेव के, तो उन्होंने कहा हाँ बांट दो, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं। अब वो हमने वहां बांटना शुरू कर दिया। अब वो शुरुआत इंग्लिश से की, तो पता लगा कि वहां पे इंग्लिश लोग कम आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से जो लोग आते हैं वही इंग्लिश जानते हैं, बाकी फ्रेंच आते हैं, जर्मन आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, ठीक है, और इटालियन आते हैं, ये आते हैं। अब यहाँ पे इनको इनकी लैंग्वेज में कैसे समझाएं। फिर मैं पदूर प्रदीप जी के संपर्क में आया, तो प्रदीप जी को मैंने ये समस्या बताई, तो प्रदीप जी ने मुझे लिटरेचर दिया हर लैंग्वेज का, जो लैंग्वेजेस अवेलेबल थी उन्होंने उस लैंग्वेज का लिटरेचर मुझे दिया। तो फिर मैं वहां कुछ फ्रेंच भी हमने सीखी, जिसमें सिल्वू प्ले कई तरह के शब्द होते हैं जिससे वो अट्रैक्ट करें उनको। तो फिर मैं वहां पे उनसे मिलता, जो गाइड होते हैं उनसे मिलता और उनको बोलता कि यार ये तेरा ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं ये पर्चे बांटना चाहता हूं और तू यदि राजी है तो मैं बांट दूं। तो कई गाइड थे वो नाराज होते थे क्योंकि उनकी दुकानदारियां खराब होती थी, लेकिन कई गाइड थे वो हाँ कर दिया करते थे। एक दिन की बात है कि मैं गुरुदेव के पर्चे बांट रहा था तो एक लेडी मेरे पास आई, मेरे हाथ में पैम्पलेट था गुरुदेव का, उसने गाइड से कहा कि ये आदमी के हाथ में जो पर्चा है मुझे वो चाहिए। उसने मुझे कहा कि भाई ये कितने का बेच रहा है तू, तो मैंने फ्री बांट रहा, तो उसने कहा ठीक है दे दो। अब वो पर्चा उसने ले लिया, उसको देख के दो तीन जनों ने और लिया और वो बड़ी खुश हुई उसको लेकर के, और उसने फ्रेंच में मुझे कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मुझे फ्री दे दिया, और मुझे बड़ा मन किया इस फोटो को देख करके कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मैं मिलता रहा, कई लोगों से मिला, तो एक अपने गुरु भाई हैं उनके भाई गाइड थे, तो मैंने उनसे भी बात की, तो उनको मैंने वो गुरुदेव की पुस्तक थी सिद्ध योग वो दी। तो कुछ दिनों बाद वो फिर मेरे से मिले, मेरे को बोलते यार वो किताब तो कोई अंग्रेज नहीं ले गई। मैंने कहा क्यों ले गई, मैंने कहा वो तो हिंदी की थी उनके किस काम की। बोला नहीं वो अंग्रेज ने इतनी प्रभावित हुई इस किताब को देख करके, उसकी फोटो देख करके, वो बोली मुझे ये दे दे। तो मैंने उसको कहा भाई ये हिंदी में, वो बोले ये हिंदी में है तो कोई बात नहीं, फ्रांस के अंदर एक बंदा रहता है वो हिंदी जानता है, मैं उससे पढ़वा लूंगी, लेकिन ये पुस्तक मुझे दे दे। तो यार वो पुस्तक लेगी तू, मेरे को दूसरी पुस्तक दे दे। तो उस फोटो को देख करके कई लोग अट्रैक्ट हुए, मतलब गुरुदेव की फोटो, दादा गुरुदेव की फोटो थी, लोग चला के आते मेरे पास, अंग्रेज चला के आते और वो मांगते कि यार ये चीज देते मुझे। कई बार जर्मन्स को मैंने एक बार, वो फ्री को बोलते हैं कॉस्टलेन, तो जर्मन गाइड आई हुई थी तो मैंने उसको बताया हम सिद्ध योगा का प्रचार करते हैं और ये फ्री है, कॉस्टलेन है, तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई और वो पूरे रास्ते में ये कहती थी कॉस्टलेन योगा, कॉस्टलेन मतलब योगा फ्री, तुम पहला आदमी मिला मतलब मुझे जिसने फ्री में योगा की बात की। और फिर उसने अपने पूरे ग्रुप को बुला करके वो पैम्पलेट बंटवाए मेरे से। अब वो महीने दो महीने तीन महीने वो प्रोग्राम चला। अब वहां पे क्या इरिटेट होने लग गए लोग, क्योंकि जैसे ही मैं लोगों से इंटरेक्ट करता, मैं उनसे बात करता, वो लोग आते और मेरे चारों तरफ झुरमुट लगा लेते, उससे वहां
परेशानी होने लग गई उन सबको, वहां के मैनेजमेंट को, तो उन्होंने कहा हम आपको करने नहीं देंगे, आपको हम बाहर निकाल देंगे यहां से। मैंने कहा भैया तुम निकाल दोगे तो हम छोड़ के चले जाते हैं, हमारे बाप का क्या जाता है। मैं वहां से छोड़ के आ गया, अगले दिन ही मैंने लड़ाई छोड़ के आया। उसके बाद शाम को बाप से लड़ाई चालू हो गई। हमने कहा भैया देखो तुमने जो काम कराना है तो कराओ, नहीं कराना तो परेशान मत, हम ये नहीं चाहते जो काम आप करवा रहे हो, हम जाते हैं वो हमारे को एतराज करते हैं तो फिर किस लिए करें, हमारे पास फालतू का टाइम है। गुरुदेव कुछ नहीं बोले। रात को सोया तो रात को मुझे सपना आया जैसे मैं किसी लेडी को बोल रहा हूं और उसको नमस्ते कर रहा हूं और वो अंग्रेज है और मैं उससे पूछ रहा हूं वेयर इज एरिजोना टेम्पल। एरिजोना टेम्पल मैंने मेरी जिंदगी में सपने में ही सुना था और उसी दिन सुबह उठा, मैंने कहा यार एरिजोना टेम्पल, मेरा फ्रेंड मेरे पास आया, मैंने उसको कहा यार ये एरिजोना टेम्पल क्या है। बोला क्यों क्या हुआ। मैंने कहा यार मेरे को ऐसे ऐसे घर दिखाई दिए और मैंने किसी लेडी से पूछ रहा हूं वेयर इज एरिजोना टेम्पल और वो भी मुझे नमस्ते कर रही है। तब उसने मुझे कहा कि यार ये पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, मैंने भी नहीं सुना। मैंने कहा यार मुझे घर से दिखाई दी। तो हमने कहा चलो नेट पर सर्च करते हैं। नेट पर सर्च किया तो एरिजोना यूएसए का एक स्टेट निकला, कृषि होती है उसको वो ओरिज टेम्पल बोलते हैं। इस तरह अपने यहाँ संसद होती है ना, लोकसभा राज्यसभा जो होती है, उसी तरह वहां पे वो ओरिजिनल टेम्पल बोलते हैं। तो फिर मैंने वहां पे यूएसए में फिर फेसबुक खोला। 2007 में गुरुदेव के पोते ने मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया था, मैंने कभी फेसबुक यूज नहीं किया। अब 2013-14 की बात है, 7 साल बाद मैं फेसबुक अकाउंट खोलता हूं और मेरे को पासवर्ड याद ही नहीं होना जिसने कभी फेसबुक नहीं चलाया। मतलब उसने बना के फेसबुक छोड़ दिया, मैंने भी ठीक है बना दिया, तेने बना दिया, मेरे किस काम का फेसबुक। मैंने वो फेसबुक खोला और उस पर रेंडमली कुछ भी डाल दिया पासवर्ड के रूप में और वो खुल गया। तो मैंने कहा ये गुरुदेव की इच्छा है। फिर उसके बाद प्रचार करने लगा तो बहुत से अंग्रेज जो थे वो दीक्षित हुए गुरुदेव से और वो अपना मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं। कई लोगों के संपर्क में हूं और कई लोगों के संपर्क में नहीं, क्योंकि मैं लोगों के संपर्क में नहीं रहता, मैं खुद को एक डाकिया मानता हूं। मैंने आपको आपका पत्र दिया, उसमें खुशखबरी है या दुख की खबरी है, कुछ भी है वो आपके लिए है, मैंने आपको डिलीवर किया और मैं चला गया। मुझे विवेकानंद जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि लुढ़कते पत्थर को काई कहा, तो मैं लुढ़कता पत्थर बन गया, काई नहीं लगेगी मुझे, मैं कहीं रुका नहीं, अपना काम है करते जाओ चलते जाओ। और गुरुदेव भी यही करते थे, गुरुदेव कहीं रुके नहीं, वो चलते ही रहे हमेशा, कोई पीछे साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं था, उन्होंने अपना काम किया और चलते बने। बिल्कुल सेम मैं भी वही सोचता हूं कि अपना काम करो और चलते बनो। इसीलिए ना तो मैं किसी ग्रुप के अंदर जुड़ता था, जबरदस्ती जोड़ देते थे तो मैं 2-3 दिन उस ग्रुप के मैसेज पढ़ता था, उसके बाद फिर उसको लेफ्ट करके चला जाता था। और मैं एक ही बात कहता था कि सबके अंदर गुरुदेव है और सबको प्रेरणा दे रहे हैं और जैसी प्रेरणा मिल रही है उसको उसकी चेतना के अनुसार वो वैसे बात कर रहा है। अब ये चल रहा था, पिछले कई समय से चल रहा था। अब रिसेंटली ये ट्विटर वाला जो हुआ, ये कुछ दिन पहले ही हुआ, अचानक से हुआ, भारत में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अचानक से एक प्रेरणा गुरुदेव की आई ट्विटर वाली। तो वो उस काम के लिए मैं सबसे सबके सामने आया। नहीं तो धर्मेंद्र जी का एक बार मेरे साथ सेशन हुआ था, धर्मेंद्र जी ने मुझे बुलाया था तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा आपके सेशन में, मैं आके क्या करूंगा सेशन के अंदर, मैं आपको अपना ज्ञान क्यों पेलू। आप सीधी सी बात है, जब मेरे गुरु ये कहते हैं ब्रह्मांड पिंड में और पिंड ब्रह्मांड में है तो सारा ज्ञान तो आपके भीतर है, अब दुर्गेश्वर जी बाहर से आके आपको क्यों पिलाएं। और सच्ची बात है, मेरे बाप ने आपको ज्ञान पिलाया था क्या? नहीं पिलाया। जब गुरु जी ने ज्ञान नहीं पिलाया तो मैं कौन आपको ज्ञान पेलू। ठीक है, अब मैं जानता हूं लोग कुंडली के बारे में बात करते हैं, कुंडली चक्रों के बारे में बात करते हैं, सब किताबी ज्ञान है, आपको पता नहीं है हकीकत के अंदर वास्तविक ज्ञान क्या है। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे जीवन का
मेरा प्रेडिक्शन है ये, मैं गायत्री पत्रिका आती है उनकी, क्या नाम है उसका, मेरे को नाम भी याद नहीं है, उसकी पुस्तक पढ़ रहा था, अखंड ज्योति, उन्होंने अखंड ज्योति सर, अखंड ज्योति, हाँ श्री राम शर्मा, हाँ हाँ श्री राम शर्मा, वो अखंड ज्योति पढ़ रहा था, उसमें वो गायत्री के बारे में लिखता कि गायत्री की उपासना करने से ये फायदा होता है, वो फायदा होता है, फलानी सिद्धि होती है, फलाना ढिंकड़ा, उसने बहुत कुछ लिख रखा था उसके अंदर। मैं पढ़ते पढ़ते आंख बंद हो गई, आंख बंद करते गुर्दे दिखाई दिए, और मेरे को जानते हो क्या बोले वो, मेरे को बोले इस किताब में सब बकवास लिखा है, अब मैं पुस्तकों पर कैसे भी विश्वास कर लू। देखिए आप यदि सच्चे मन से अपने गुरु के प्रति समर्पित हो तो वो आपको एक क्षण भी आप से अलग नहीं होता, जहां पे भी आप गलती करते हो दंडा लेके तैयार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। या तो मैं आपको ठोक दूंगा, और नहीं ठोकूंगा तो फिर मैं आपके सारे स्क्रू जो ढीले रखे ना टाइट कर दूंगा, और वो करता है यदि आप पे समर्पण है तो। देखिए सीधी सी बात है, ये सारा खेल समर्पण का है। मेरे को गुरुदेव ने इच्छा, मैं गुरुदेव के पास गया तो मेरे मन से कहा जय तेरा कुछ नहीं है, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा मेरा कुछ नहीं है, सोचते सोचते जा रहा हूं मैं, उसके बाद आवाज आई तेरा सब कुछ है, मैंने कहा मेरा सब कुछ क्यों है, जब मेरा कुछ नहीं तो मेरा सब कुछ क्यों है। फिर वो धीरे से बोलता है मैं तेरा हूं ना, जब मैं तेरा हूं तो तेरा सब कुछ है। मतलब गुरु आपका है तो आपका ब्रह्मांड है, ये सब कुछ आप ही का है, मतलब जड़ चेतन सब आपका ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उस भाव से मतलब उसको आपको उसी भाव से समर्पित होना पड़ेगा। अब ये ट्विटर वाला आज क्या वर्तमान बताता हूं आपको क्या हुआ। मैंने फोन किया, रवि भाई हैं अजमेर के, उनको मैंने कहा रवि भाई यार ये ट्विटर वाला पंगा फाल तो लिया, अब ये चैन से सोने नहीं दे रहे, मेरे गज कर रखा है। देखिए मैं बड़ा आड़ू किस्म का आदमी हूं और बड़ी आड़ू बातें कहता हूं, ठीक है, मन का ये मेरे गज कर रखा है, ये मेरे को चैन से बैठ नहीं दे रहे, अब ये ट्विटर वाला कैसे करना है। तो उसने कहा आप ग्रुप बनाइए, सबको उसमें बुलाइए, सबको समझाइए कि ट्विटर में हमको कैसे काम करना है। अच्छा मैं ओम जी को फोन कर रहा हूं कि यार ओम जी लाइन पे आ जाओ, तो ये जो कह रहे हैं इनकी बात सुन लो। आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे, फोन कटता है, ओम जी मुझे लिंक भेजते हैं कि वो एक ग्रुप बना दिया है जिसके अंदर हम सबको इनवाइट करेंगे। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इसका मतलब मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था। वो ओम जी जब हम बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे ग्रुप बनाना, वो ग्रुप बना रहा था। भाई ये काम होता है गुरु का, आप सोचो इस बात को। मैं और रवि बात कर रहे हैं, आप रवि जी से बात करके पूछ लो, और रवि जी का फोन का ये देखो लिंक आ गया उसका, वो ग्रुप बना रहे थे। वो मुझे कहे महाराज मैं आप ही का काम कर रहा हूं, ओम जी मुझे बोले ये कि मैं आपके काम में लगा हुआ हूं। अरे बाप मेरे, मेरा काम नहीं है, वो मेरे बाप का काम, तू भी कर रहा है, अच्छी बात है कर, सबको करना है ये। इसका मतलब इसके पीछे वो एक ही शक्ति काम कर रही है जो हम सबको ये काम करने के लिए कह रही है। अब वो मुझे क्या कहता है, ओम अरे दुर्गेश्वर जी आप जाओ ग्रुपों में रिक्वेस्ट करो, आपको वो ऑनलाइन बुलाएंगे। मैंने कहा हम क्यों रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पिताजी पहले से रिक्वेस्ट भेज रखी है, हिंगू जी ने आज कहा आप आओ शाम को दर्शन। मतलब ये काम एक से एक तार जुड़ते चले जा रहे हैं, मतलब गुरुदेव हक नहीं कर रहे हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है। मतलब शर्मा जी के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ सेशन हुआ, मैंने कहा एक महीने के बच्चे बन जाओ, सब वो करेगा, आपको कोई कुछ नहीं करना, जब आपको तकलीफ हो तब ओए ओए करने लग जाओ, ठीक है, उसके कान खड़े हो जाएंगे। और यही हो रहा है, वो सारा काम कर रहा है, हमारे डायपर भी चेंज कर रहा है, हमें टाइम टू टाइम सुसु भी करवा रहा है, हमें टाइम टू टाइम दूध भी पिला रहा है, सारा काम वो ही कर रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के पास सिर्फ और ये कहने के लिए आया हूं कि भैया वो ग्रुप बनाया है जिसमें हम चाहते हैं, देखिए हम नहीं चाहते, गुरुदेव चाहते हैं जी,
और गुरुदेव की क्या मंशा है मेरे को पता नहीं। देखिए मैं तो एक भी चीज जानता हूं कि फेलियर और सफलता, ठीक है, उसके बारे में सोचने का काम मेरा नहीं है, जिसका काम है वो सोचे, ठीक है। मेरे को लड्डू मिलेंगे तो उसकी मर्जी, मेरे को चार गालियां मिलेगी तो उसकी मर्जी, काम उसका है। और मैं ये कह रहा हूं तू ही कर रहा है, तेरा काम है तू कर। तो वो ग्रुप बना रहे हैं जिसके अंदर 500 लोग हम चाहते हैं कम से कम हो, ताकि गुरुदेव का एक हैशटैग ट्रेंड में आए। यदि वो हैशटैग ट्रेंड में आ जाएगा तो गुरुदेव का समाचार जो है, जो मैसेज है, वो सबके पास पहुंच जाएगा। देखिए बड़ा विचित्र खेल है, गुरुदेव की आदत है वो कभी ओढ़वा नहीं लेते किसी से, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें मालूम नहीं था। देखिए विवेकानंद के साथ पता भी क्या था, जीसस के साथ क्या था, ये जितने भी बाद में जो विवेकानंद के अनुयायी बने और जो जीसस के अनुयायी बने, वो ये कहते थे हमें मालूम नहीं था, यदि हमें मालूम होता ना तो हम ऐसा नहीं होने देते। तो इस बार उसने इन सबको निरुत्तर करना है, और निरुत्तर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि तेरे को मालूम था तेने नहीं किया। वो किस मुंह से बोलेगा कि मुझे ये मालूम नहीं था, कि मुझे गुरुदेव के बारे में मालूम नहीं था, किस मुंह से बोलेगा। हो सकता है गुरुदेव इसके लिए कर रहे हो, मैं नहीं कहता, मैं आपको किसी को गारंटी नहीं देता कि ये जो ट्रेंड हम चलाएंगे ये सक्सेसफुल होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड चला जाएगा, मैं कुछ नहीं जानता भाई, मैं भविष्य दृष्टा नहीं। लेकिन ये है कि इस ट्रेंड को जो हम चलाएंगे, इसका जो मोटिव है, जो गुरुदेव ने सोच रखा है, वो मोटिव पूरा होगा। तो आप सभी लोगों से जो इसमें शामिल होना चाहते हैं, वो गुरुदेव के साथ जुड़िए, उसमें एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जुड़िए, सीखिए क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसे अपने जानकारों को भी बताइए ताकि वो इसे ज्यादा से ज्यादा करें। देखिए मैं जानता हूं बहुत सारे लोग क्रेडिट ढूंढते फिरते हैं, मैं क्रेडिट नहीं चाहता, लेकिन अब ये जबरदस्ती गले पड़ रहा है तो अब क्या करूं, ये जबरदस्ती गले पड़ रहा है मेरे। मैंने नहीं चाहा कभी भी, और मैं कभी चाहता भी नहीं था कि मैं फेमस हूं, लोग मुझे जाने, क्योंकि लोग मुझे जानेंगे तो मेरे को अहंकार होगा, और अहंकार आदमी को पतन की ओर लेके जाता है। मैं तो सीधा सा सिंपल सा आदमी हूं भाई, दाल रोटी मिलती रहे, खैर दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, यदि ये चीज चलती रहती है तो ये बेस्ट है। उसके लिए मुझे क्या करना है, देखिए यदि मैं फेमस हो भी जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद मेरे साथ थोड़ी चली जाएगी मेरी मान्यता, वो सब यहीं रह जाना है। मुझे तो वो माल इकट्ठा करना है जो मरूं तो साथ लेके जाऊं। एक बार मैंने गुरुदेव से कहा था, मैं कहा महाराज माल वो दो जो आपने पीछे छुपा के रख रखा है और किसी को देते नहीं हो, ठीक है। गुरुदेव हंसने लग गए कि वो तेरे को जैसे मिलता वैसे मिलता रहेगा। मैंने कहा तो फिर, और बोला ग्रस्त के लिए, मैंने कहा ग्रस्त के लिए आप चिंता करो, मैं क्यों करूं, मैं तो उसी माल पे नजर लगा के रखूंगा जो माल आपने पीछे छुपा के रख रखा है और किसी को देते भी नहीं हो, जल्दी से नहीं देते हो। गुरुदेव मुस्कुराने लग गए, अनुभव है, देखिए वो दुख देते हैं मुझे। मैं सच बताऊं आपको, ये जो सभी गुरुदेव के साथ बिताए हुए पल हैं, आपको लगता है मैं धन्य हूं, मेरे को लगता है मैं बहुत अभागा हूं। जानते हो मैं सोचता हूं कि गुरुदेव से पहले मुझे मर जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे उनको याद नहीं करना पड़ता, मुझे उनकी छोटी छोटी बातें याद आती है ना, तो मुझे कितना दुख होता होगा आप ये सोच नहीं सकते, मैं कितनी पीड़ा करता हूं। मैं गुरुदेव घर के पास रहता था, मेरे को जो भी काम होता था, जो मिनट होता था ना, मैं भाग जाता था उसके पास और उससे जाके बात कर लेता था, और वो मुझे बात सुन करके मुझे जवाब दे देता था। मैं तकलीफ में होता था तो उसके पैरों को लिपट जाया करता था और बुरी तरह से रोया करता था, वो
मुझे इस हिसाब से प्यार कर चुके हैं जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में समेट लेती है ना, बेटा रो मत, तो वो ऐसे करते थे। अब मैं उस चीज से तरसता हूं कि मुझे अब कोई अपनी बाहों में नहीं लपेटता, कोई मेरे गालों को नहीं छूता, मेरे सर पे हाथ नहीं फेरता। तो ये एक वेदना है। आप सभी लोग अच्छे हो जिन्होंने गुरुदेव को फोटो में देखा, फिजिकली देखते तो बहुत गड़बड़ हो जाती भाई। ये जिन्होंने देखा है ना, ये उनसे ही पूछो, वो कहते ना शराब पीने वाले को देख नहीं और पी के देख और जाके उसका घर देख। तो ये हालत हमारे साथ होती है। हम कोई महान वान नहीं है भाई, आप ज्यादा महान हो क्योंकि आपने उसे चेतना के रूप में चाहा। आप देखिए, आपने उसको परम ब्रह्म माना, ठीक है, हमारे लिए वो देह भी था, हम में वो भाव आता आता सा आया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? आप समझिए कि गुरुदेव परम पिता परमेश्वर है, ये भाव मेरे मन में आता 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 आया और आप इस भाव के साथ ही आए कि वो परम ब्रह्म है। अब आप देखो, बढ़िया कौन? आप बढ़िया कि मैं बढ़िया? पहले वो मेरे लिए गुरुजी बने, ठीक है, फिर गुरुजी के बाद फिर मैंने ध्यान करना शुरू किया, तब लगा सच्चे गुरु हैं, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा, जब मेरी चेतना में थोड़ा विकास हुआ तब मुझे लगा मामला कुछ गड़बड़ है, ठीक है। फिर बाद में मेरे को लगा भगवान और कृष्ण, मतलब गुरुदेव और कृष्ण अलग अलग है। सो देखते जाइए आप, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। और लास्ट में जाकर के अब मैं ये समझता हूं कि गुरुदेव और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं। तो मुझे ये चीज समझने में भाई बहुत समय लगा, आप लोग दिन से समझ गए। तो भाग्यशाली कौन? आप या मैं? ज्यादा पढ़ा लिखा कौन? आप या मैं? आप ज्यादा लिखे पढ़े हो भाई साहब, जिन्होंने पहली बार में उसको पकड़ा और उसको भगवान मान लिया। मैंने उसको लेट माना, ठीक है, वो कई बार हमारे को उठा पटक भी करते थे। आप नहीं समझते इसको, मायापति ऐसे ही नहीं कहते, ये ऐसे ऐसे व्यवहार दिखाता था। मेरी मिसेज रही गुरुदेव के साथ, मेरी मिसेज मेरे को एक दिन कहती, देखो जो कितने बुढ़े हो गए गुरुदेव। मैं मेरी मिसेज का मुंह देखू और हंसू। मैं कहा हाँ तेरे को बुढ़ा दिखाई दे रहा है ना। मैंने कहा और जाएगी पास? तू पास में जाएगी तो वो 70 साल का बुढ़ा दिखाई देगा तेरे को, उनसे दूर हो जा, वो परम ब्रह्म दिखाई देगा तुझे, अगम अगोचर दिखाई देगा। मतलब जो उसके पास में आया उसको कुछ नहीं दिया उसने, उससे क्षण आदमी कोई है ही नहीं। जो जितना पास में गया वो उतना खाली आया, और जो जितना दूर रहा उसने खूब माल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आप लोग दूर हो तो आप भाग उड़ा रहे हो भाई साहब, हम नजदीक थे तो कुछ नहीं। चिराग तले हमेशा अंधेरा होता है भाई साहब, बिल्कुल। यदि चिराग थे और सब उसके नीचे घूम रहे थे ना, तो आप ये मान के चलो हम अंधेरे में थे, आप प्रकाश में हो। देखिए मैं तो ज्यादा कुछ जानता नहीं भाई, जो जानता हूं वो आप लोगों को कह देता हूं, शेयर कर देता हूं। आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप मुझे प्रणाम मत कीजिए। आपने हमारे भी याद दिला दिया साहब, बहुत गुरुदेव की याद आ रही आपकी। ये आप बोल रहे हो और हम आंसू निकल रहे हैं दुर्गेश्वर जी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इतने आपके हर शब्द पे आंसू निकल रहे हैं तो अपने से नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वही बोल रहा है, ये वो बोलता है। देखिए आप भूल जाते हो, वो हमेशा कहा करता मैं तो माइक हूं भाई, मेरे गुरु का तो मैं भी माइक ही हूं भाई, बोलने वाला तो वही है। और मैं यही बोलता हूं भैया तू ही बोल, तू बोलेगा तू सुनेगा, मैं ही हूं जबरदस्ती। मतलब मैं क्या पिटी और क्या पिटी का शोरबा, मेरे को मेरी बीवी नहीं सुनती भाई, क्या बात कर रहे हो आप लोग, सुन रहे हो आप भावुक हो रहे हो, सच है भाई। हाँ मेरी बीवी मेरे को कहती है आए बड़े जानी। भाई
मैं कोई ज्ञानी आदि नहीं हूँ, वो सब जो है वो गुरुदेव ही। और मजे की बात है, आप में भी है और मुझ में भी, दोनों में फर्क इतना सा है। मैंने अभी बोल दिया, मैं मारा वो चिल्ले सुनने आएंगे, क्या बोलेंगे मेरे को पता नहीं, आप बोल देना आपको जो बोलना, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा। मैं कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा पसंद करता हूं, उसमें वो लिखा है, साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, राई से पर्वत करे और पर्वत राई नहीं, ना किया ना करी सका ना करने जोग शरीर, जो किया सो तुम किया ताते भया कबीर। ठीक है, वो लास्ट में एक लाइन और कहता है, यदि कहो जो मैं किया, वो कहता है कबीर किया कुछ नहीं, कहो यदि जो मैं किया तो तुम ही थे मोह माही। अब भाई साहब, यदि मैंने किसी को गाली भी निकाली है ना, तो मैंने नहीं निकाली है, वो गुरुदेव ने निकाली है भाई। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो देखिए, मैं तो आप सबको यही कह सकता हूं कि हमें एक, हमें कुछ नहीं करना भाई, वो ट्विटर वाला काम करना है महाराज, मैं इसीलिए आया हूं। और मेरे को लोग कहते हैं दोबारा आना, मैं आना नहीं चाहता। देखो सच्ची सी बात, भाई साहब ट्विटर का काम तो बच्चा लग रहा है हमें। ट्विटर तो बच्चा लग रहा है, ट्विटर तो हाँ। अब वो, अब वो ट्विटर वाला काम जो है वो आप सभी, मतलब असल में क्या है, भौतिक युग देखिए, बिना मारने को तो यार एक मिनट में मार देते। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण, उनको कुछ नहीं करना था, सुदर्शन छोटा था, कट कटा के सारे पड़ जाते। लेकिन ये मृत्यु लोग भी तो उसी ने बनाया है ना भाई, और इसके कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों के तहत ही चलना पड़ता है। आप नहीं समझ रहे, आप समझो इस चीज को। गुरुदेव ने बुढ़े भी हुए, गुरुदेव बीमार भी हुए, सब कुछ हुआ। गुरुदेव चाहते तो क्या टनाटन नहीं रह सकते थे, जवान नहीं रह सकते थे? सोचो आप एक क्षण के लिए सोचो, गुरुदेव क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने कुछ किया? चलिए एक प्रेडिक्शन और बताता हूं। मेरी एक डिमांड थी गुरुदेव से, हाँ मेरे को फोन आ रहा था जी, चलिए। मेरी डिमांड, मेरी एक डिमांड थी गुरुदेव से, और बहुत तगड़ी डिमांड थी। मेरे को एक दिन कहते हैं, तेरी वो डिमांड जो तू कह रहा था ना, वो हो गई है पूरी, जबकि वो पूरी नहीं होनी थी, नेचर उसके लिए तैयार नहीं थी। तो मुझे कैसे समझाया, ऐसे समझाया कि जैसे मैं और गुरुदेव जो है वो साथ में बैठे हैं, और सामने कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर हम गए हैं, और वहां पे एक देवी आने वाली है, और जैसे ही वो देवी आती है, गुरुदेव लोग कहते हैं ये तेरी बात मान गई है, जो तेरी डिमांड थी उसके लिए ये राजी हो गई है। और जो शब्द कहे मुझे वो ये थे, मैं इसके प्रति श्रद्धा रखता हूं, तू भी रखा कर। तो मैं उसी समय गुरुदेव के पैरों पकड़ लिया, ना गुरुदेव मेरी श्रद्धा तो आप ही। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा कि गुरुदेव उस समय क्या कह रहे थे। भाई देखिए, वो परमात्मा बोलता है, अपने को डीकोड करना पड़ता है, अपन डीकोड सही कर लें तो हमको समझ में आता उसका मैसेज क्या था। उसका मैसेज ये था कि ये प्रकृति है, मैं इसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, तो तुम मत किया था। और मैंने खूब किया है भाई साहब, मेरे अनुभव में आपको बताऊंगा ना तो आप कहोगे दुर्गेश्वर जी तो पागल है। मैंने बहुत पंगे लिए हैं अपने जीवन के अंदर, खूब पंगे लिए हैं, रज के पंगे लिए हैं प्रकृति से। इस शक्ति का, जो शक्ति गुरुदेव ने दी है, इसका सदुपयोग भी किया है और इसका दुरुपयोग भी किया है, और जूते भी खाए हैं, सभी चीजें हुई है। लेकिन अब समझ में आता है कि एक प्रोसेस है, अपने को प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। यदि हम वो प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो हम नियम तोड़ देंगे इस सृष्टि का, इस प्रकृति का नियम तोड़ देंगे, और हम वो नियम तोड़ना नहीं चाहते।
हमको उन बाउंड्रीज में रहकर काम करना है। यदि हम उन बाउंड्रीज के बाहर काम करना चाहते हैं तो हमको ये लोग छोड़ करके हमारे ऊर्ध्व लोक में जाना पड़ेगा, वहां हम बाउंड्रीज से बाउंडेड नहीं है। आप और हम सब इस लोक के नहीं है भाई, हम किसी और लोक से आए हैं और यहां पर्टिकुलर एक काम करने के लिए आए हैं। हम ऐसे ही पैदा नहीं हो गए, हमें अवतरित किया गया है और हम अब से नहीं है, ये जब से सृष्टि की रचना हुई तब से है और साथ में है इसके जो भी काम कर रहे हैं। ना तो हमारी मुक्ति होने वाली है, आप ये सोच लो हमारा मोक्ष हो जाएगा या मुक्ति हो जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई। जिस सोर्स से आए थे, जो काम किया यहां पे, काम करेंगे वापिस वहीं चले जाएंगे उसी सोर्स के पास। रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा वहां पे, क्या किया क्या नहीं किया, ये होगा हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए। और जिन्होंने नाम जप और ध्यान करना है और जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त होना है, वो टीम ही अलग है भाई साहब। वो चुपचाप, वो किसी से मिलती नहीं, वो किसी को बताती नहीं, उनका कोई लेना देना नहीं किसी से। वो चुपचाप अपने घर में सुबह शाम गुरुदेव का मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, अपनी उदर पूर्ति में लगे हुए हैं और फर्स्ट क्लास है, उनको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और वो उनकी साधना टनाटन चल रही है। हम ही ऐसे लोग हैं जो इकट्ठे कर रहे हैं, आजा तू भी ध्यान कर ले, आजा तू भी ध्यान कर ले, आजा इसके लिए प्रार्थना कर ले, आजा उसके लिए प्रार्थना कर ले, आजा चार लोगों को बता दे, ठीक है। तो ये प्रेरणा हमारे को वो दे रहा है। तो आप सभी अवतरित सत्ता हो, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि वो ओम जी वाला ग्रुप है, मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा, जिसको अच्छा लगे ट्विटर पे गुरुदेव का मैसेज जाना चाहिए, वो आए और ज्वाइन करे। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो हमने ट्वीट किया था वो 8,900 लोगों तक पहुंचा है अभी तक का मेरे पास जो डाटा है, और करीब 947 के आसपास लोगों ने उस मंत्र वीडियो को देखा है। तो आप ये देख लीजिए कि 1,000 लोग तो विकसित हुए हैं। हमारे एक घंटे के प्रयास से यदि 1,000 लोगों तक गुरुदेव का मैसेज पहुंचता है तो मैं बोलता हूं ये प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म यदि हम ट्रेंड में आ गए तो पूरे संसार में फैल जाएगा। देखिए ये कब फैलेगा कैसे फैलेगा ये तो गुरुदेव जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, ठीक है। अब वो माध्यम बनाएगा किसी ना किसी को और वो फैल जाएगा, और फैले नहीं फैले अपने को क्या मिलेगा ये बताओ, सीधी सी बात है, मुझे क्या मिलेगा। दुर्गेश्वर जी को कुछ नहीं मिलने वाला भाई, दुर्गेश्वर जी को तो उसकी बीवी बना के रोटी देगी और दुर्गेश्वर जी बैठ के खाएंगे। किसी को मिलेगा उससे अपने को धन्यवाद भी नहीं चाहिए। मैं गुरुदेव के साथ रहा, गुरुदेव मुझे कहा करते थे बेटा एड्स पेशेंट को ठीक करते हैं, हम उसको लौंग देते थे, वो लौंग के पैसे भी नहीं देके जाता। मैं कहा महाराज अपने को फक्कड़ी मिले सारे के सारे, सच्ची बात है। और हम बात किया करते थे प्रोग्राम में, भाई मैंने वो प्रोग्राम देखा जिसमें 7 आदमियों को दीक्षा दी है गुरुदेव ने, 7 आदमियों को, 7 आदमियों के लिए गुरुदेव आसन लगा के बैठे रहे। उसमें लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, गर्मी के अंदर हमने तो बहुत सुखी है यार, घर में बैठ के तो कुछ करना है। और उन्होंने कितना ट्रेवल किया है आपको बताऊं, सुबह प्रोग्राम होता था गंगानगर में, शाम को प्रोग्राम होता था बीकानेर के अंदर, 250 किलोमीटर जाना और 250 किलोमीटर आना, 500 किलोमीटर का रन करना और दो जगह प्रोग्राम करना। और आदमी सुनोगे कितने होते थे, 20-25 आदमियों के लिए। हमारे को तो यार लाखों करोड़ों लोग मिल रहे हैं जिनके लिए हम ये कर रहे हैं। आप तो जान ही नहीं सकते भाई साहब, एक कमरा था जिसके अंदर गुरुदेव ने काम शुरू किया था, 4 आदमी बैठते थे। मुझे याद है एक थे, नाम था उनका चांद रतन जी, उन्होंने अपने परिवार को नहीं बताया, उनको कैंसर हुआ, गुरुदेव उनके घर गए मिलने के लिए, उनसे पूछा रहे चांद रतन जी आपने फैमिली वालों को नहीं बताया, तो बोले गुरुदेव कैसे बताता, मैं बताई था ये उस कमरे में आ जाते तो मैं कहां बैठता, मेरे को तो बाहर बैठना पड़ता, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। अब आप ये सोचो ये स्थिति थी हमारी,
गुरुदेव के एक शिष्य थे, वो एक दिन बात कर रहे थे गुरुदेव से, तो दोनों की जेब खाली थी, तो गुरुदेव ने चलते चलते कह दिया यार अपने झाड़ू देने वाले लखपति होंगे। तो उन्होंने मजाक किया गुरुदेव से, गुरुदेव ने कहा आज तो गुरुदेव झाड़ू देने वाले तो लखपति होंगे लेकिन आज तो हमारा पजामा फटा हुआ है, उसको सिलाने के पैसे नहीं है। तो वो समय और आज का समय बहुत बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है। खैर देखिए, मैं आप सबका सभी बहुत ज्यादा समय ले लिया, मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी गुरुदेव के इस महायज्ञ में आहुति देना चाहता है उसका वेलकम है, जो गुरु का खालसा बनना चाहता है उसका वेलकम है, आए और खालसा बने। ये बैटल है, ये लड़नी पड़ेगी, आप नहीं लड़ोगे आपकी जगह कोई और आके लड़ेगा, लेकिन ये बैटल है, लड़नी पड़ेगी। एक बात जान के लो आप सारे के सारे, आप सारे के सारे अजर अमर हो, कोई नहीं मरेगा, शरीर मरेगा, और भाई साहब सवाल जवाब तो उसके बाद भी होंगे, तब क्या जवाब दोगे सोचो, तब वो सामने बैठा होगा पूछेगा हाँ बता क्या करके आया, तब कम से कम शक्ल तो नहीं छुपानी पड़े, मेरे से पूछेगा क्या करके आया, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा वो गाली काटी, उसने गाली निकाली, उसने पत्थर मारे, उसने ये किया, उसने ये किया, मेरी पूछ उखाड़ दी, ये किया वो किया, मैं ये करके आया, फिर मैं पूछूंगा आपने क्या किया, बचाया नहीं बचाया। तो आप जब भी आंख बंद करो इस शरीर की और उसके सामने आओ तो आप में उससे नजरें मिलाने की हिम्मत होती है। आपने जो कहा किया वो लास्ट में कह के गया था, मैंने कोई अकेले ठेका थोड़ी ले रखा है, अब आपकी मर्जी है भाई, ठेका लेना है लेओ, नहीं लेना मत लेओ, फर्क नहीं पड़ेगा। ये मिशन उसका है, वो चला रहा है, वो चाहे तो पत्थर से काम करवा सकता है भाई, दुर्गेश की औकात क्या है, क्या है दुर्गेश, कुछ नहीं है, वो चाहेगा पत्थर से काम करवा लेगा। तो जिन्होंने काम करना है वो निश्चित है जी, वो करेंगे, ठीक है, लेकिन एक प्रयास है ताकि कल को कोई ये नहीं कहे हमारे ग्रुप में आके दुर्गेश्वर जी ने नहीं कहा, तो दुर्गेश्वर जी ने तो कह दिया भाई, करना नहीं करना आपके हाथ में। जी गुरु भाई, सब करेंगे और विश्वास दिलाते हैं इसके साथ में, सब ट्रेंड में शामिल होंगे और जी बिल्कुल समय जी जी, ये वो पहले सीख लेना आप, वो ग्रुप ज्वाइन करके सीखो कैसे काम करना है भाई। पिछली बार हमने क्या किया आप जानकर आश्चर्य होंगे, सिर्फ 37 लोग थे करने वाले, 37 पीपल, अरे 37 लोगों ने 10,000 तक को पहुंचा दिया मैसेज, 1,000 लोगों तक वो पहुंचा दिया, तो 500 लोग हो जाएंगे तो हम क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल सर जी, तो आप ये सब करिए, सीखिए, पहले तो सीखिए भाई। देखिए युद्ध में करने से पहले सेना के जवान को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बंदूक उठानी है, गोली कैसे चलानी है, उसमें नई मैगजीन कैसे डालनी है, वैसे वो सारी ट्रेनिंग देंगे आपको रवि जी और ओम जी, ठीक है। मेरे को तो उन्होंने ड्यूटी दे रखी है नेता वाले, कि नेता जी आप तो हल्ला मचाए रखो, मैंने कहा हल्ला हम मचाए रखे, वो ढोल होता ना ढोल, हमने गले में मात्रा का हम बजाए रहे, काम असली वही करेंगे रवि जी और ओम जी, वो आपको समझाएंगे क्या जी, करना जी, है जी गुरु भाई, बहुत सुंदर है ये। और एक बात मैं यहाँ पर निवेदन करना चाह रहा था। हाँ जी, लगता है कनेक्शन कट गया गुरु भाई। नहीं नहीं, कनेक्शन नहीं कटा है गुरु भाई, आप बोलिए सर, सुन रहे हैं हम लोग, सब सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए। हेलो, बोलिए रामलाल जी, रामलाल जी आवाज मिल रही है आपको? लगता है गुरु भाई का कनेक्शन कट गया है। नहीं, हमारा ये सेशन गुरु भाई क्योंकि लंबा हो गया, लेकिन ये गुरुदेव के कार्य के लिए ऐसा होना ही था, ये गुरुदेव ने भाई साहब आपकी आवाज आ रही है और कनेक्शन करेक्ट है, हम सभी से आग्रह करते हैं कि गुरु भाई ट्विटर अकाउंट बनाएं और ट्विटर अकाउंट कंप्लीट कर लें, उसके बाद में ट्विटर अकाउंट करने के बाद में आप सीख लें, और जब भी हमारे पास से हैशटैग आएगा और हम लिंक उसको ग्रुप में डालेंगे और हम जो समय निर्धारित करेंगे उस समय के अनुसार हम सबको काम करना है,
एक घंटे का समय रहता है, यदि कोई 10 बजे से 11 बजे का समय लेकिन 9:45 बजे शुरू कर देगा तो 10 बजे उसका समाप्त हो जाएगा, 15 मिनट मिलेंगे, तो 10 से 11 का समय रहता है तो हमें 10:01 से शुरू करना है। हाँ, वो एक घंटे में हम जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे शुरू करना है, कंटिन्यू हमें रीट्वीट नहीं करना, उसमें ट्वीट 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 करते रहना है। आवाज आ रही है मेरी? जब तक हम ट्वीट करते हैं ज्यादा काम है, रीट्वीट करने से हमारा आईडी हैक हो, वो ब्लॉक हो कर दिया जाता है बार बार से, इसलिए हमको ट्वीट करना है। और 10 बजे का समय दिया जाए तो 10:10 शुरू करना, पहले शुरू नहीं करना। और देखिए हम लोग सीख लेंगे और सभी अगला जो सब समय दिया जाएगा, तो हम सब लोग इस गुरुदेव के कार्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो अभियान है, इस अभियान में हम सब अपने व्यक्तिगत तुच्छ आकांक्षाओं को इच्छाओं को छोड़ करके इस महान उद्देश्य में हम सब शामिल होंगे। नहीं, हमने वो जो ग्रुप बनाया है गुरुदेव, और ज्योतिमा गुरु भाई कुछ कहना चाह रही है? गुरु भाई सर जुड़े हुए हैं तो पहले उनकी बात कंप्लीट कर लेने देते हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। सर गुरु भाई, मैं ये कह रहा हूँ ग्रुप हमने बनाया हुआ है, ठीक है, उसका लिंक मैंने हिंगू जी को भी भेज दिया है और सभी उसके अंदर भेज दिया है ग्रुप्स में। जी सर, मिल गया हमें। हाँ मिल गया, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे वो आपको सभी चीजें बता देंगे, सभी चीजें सिखा देंगे, कैसे ट्रेंड में लेके आना है, कैसे कैसे ट्वीट करना है, वो सब चीजें बताएंगे आपको। भाई देखिए, पिछली बार क्या हुआ, योद्धा लड़ रहे तो चले गए लेकिन तलवारें नहीं थी, किसी के पास भाले नहीं थे। इस बार हम चाहते हैं कि योद्धा लड़ने जाए तो उसके पास सब कुछ हो जी, उसको किसी चीज के लिए देखना नहीं पड़े, मतलब पानी की बोतल भी साथ में हो कि गोली मारते मारते थक गया तो पानी पीना है मेरे को, और सिर्फ एक घंटा हमने करना है और उस एक घंटे के अंदर ही हमको धमाल मचाना है। जी जी ठीक है जी सर, बहुत ओम जी वगैरह देख रहे हो तो भैया हमने हमारी ड्यूटी पूरी कर दी है। ओम भाई जी बाद में देखेंगे सर, वो तो जब पोस्ट हो जाएगा यूट्यूब पे तब वो देखेंगे। अरे मुझे इन जवान लड़कों से बहुत डर लगता है, लेकिन वो मानते नहीं है। अभी इन्होंने जैसे बोला कि आपको रीट्वीट नहीं करना, लास्ट टाइम में मैंने तो बहुत सारे लोगों को रीट्वीट किया, मतलब हमको उसको ट्वीट भी करना है और हमको रीट्वीट भी करना है, दोनों काम करेंगे अपन। लोगों ने जो आईडी अपनी बताई, एक्चुअली मैंने जो किया, जो मैंने समझा था पिछली बार, उसमें मुझे यही लगा कि जितने भी लोगों ने आईडीज बनाई हुई है उनके ऊपर आपको रीट्वीट करना है एंड उसको लाइक करना, तो मैंने तो रीट्वीट एंड लाइक यही किया, शायद मैं नहीं सही किया। तो नहीं, वो जो आपने जो किया वो अच्छा किया, देखिए लाइक भी काउंट होता है, रीट्वीट भी काउंट होता है जी। लेकिन इस बार क्या है, अपन उसको इस तरह से करेंगे कि वो और पावरफुल हो, मतलब अभी तक तो अपन ने ईंटें हाथ से फेंक की है, इस बार गुलेल बना रहे हैं अपन जी, सेट की हैची छोड़ दी, फिर वो ईंट जाएगी गोली की रफ्तार से जी जी। तो इस बार अपन क्या मतलब पूरी अच्छे तरीके से करेंगे, मतलब कुछ लोगों ने किया ऐसी बात नहीं कि नहीं किया जी, अच्छा काम किया हमने भाई, अच्छा काम किया तभी तो उसमें 10,000 के आसपास लोग हुए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी सर, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये नंबर और बढ़े, इसके लिए हम और अच्छी तरह से करेंगे जी। बिल्कुल सर, अब ट्रेंड होकर के करेंगे। मैंने भी रीट्वीट ही किया था ज्यादा और लाइक किया था, क्योंकि मुझे भी उतना समझ नहीं आया। निशाना ले लेंगे, अब यूं निशाना लेंगे, हाँ बोले जी जी, फिर मार के ताली बजाएंगे, हाँ एक मारा जी सर। एक्चुअली सर मोस्ट ऑफ द लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो फेसबुक यूज करते हैं या फिर यूट्यूब यूज करते हैं, तो मैंने कभी ट्वीट किया ही नहीं था, तो इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस कि बच्चे से करवाया कि इमीडिएटली यू तू एकदम से बना इसकी आईडी और मुझको ये करना, उसने जैसे जैसे बताया हम लोग बैठे वैसे फॉलो करते रहे। सो मैंने अभी अभी ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मेरे बेटे को कहा, मैंने कहा इधर आ जी, ये कैसे काम करता है बता। अब उसको पास में बिठा रखा, भैया अच्छा बता मेरी आवाज जा रही है आ रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ नहीं दिखाई दे रहा, सब वो बेटा बता रहा है, ये रहा आज आपने शक्ल दिखा।
वही है, हम लोग कभी जो लोग नहीं यूज करते उनके लिए थोड़ा सा नया एक्सपीरियंस था, तो मेरे लिए भी बड़ा नया एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने अभी आपका सुना कि रीट्वीट नहीं करना, तो मुझे लगा कि उस ग्रुप में प्लीज ये बताना एग्जैक्टली कि करना क्या है और कैसे करना है, कौन सा बटन प्रेस कर लेंगे। नहीं, रीट्वीट भी करना है अपने को और अपने को उसको ट्वीट भी करना है, मतलब रीट्वीट हम करेंगे, मतलब वो पूरा आपको उसमें समझाएंगे, अभी मैं समझाने लगूंगा तो मैं खुद भी मास्टर नहीं हूँ, देखो सच्ची सी बात ये है, मैं मास्टर नहीं हूँ, मास्टर तो वो दूसरे हैं, रवि जी और वो ओम जी, ओम भाई, वो आपको सब चीजें लिख के समझा देंगे, उनका फोन नंबर होगा, उनको तंग करना, पूछना क्या करना है क्या नहीं करना, फोन की कर लेना रिकॉर्डिंग, ताकि आपको फिर दोबारा नहीं पूछना पड़े। और सर एक चीज मैं आपके लिए कहूंगी कि आपका जो बोलने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इन द सेंस कि आप बिल्कुल बिंदास कहते हो, वो वाली चीजें जो दिल के अंदर है वही बाहर कहते हो, कोई बटरिंग वाली बात नहीं है, एंड इट इज रियली मतलब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है ये मेरी तरफ से कि जय गुरुदेव, गुरुदेव डेफिनेटली आपके अंदर होंगे जो आप इतना बिंदास कुछ भी होता है वो बोलते हो, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, शुगर कोटिंग नहीं करते, वो बहुत हाँ, वो आपके अंदर से भी तो वही बोल रहा है अभी। देखिए मैं एक बात बोलता हूं, बोलने वाला और सुनने वाला एक ही है, जब तक वो बोल रहा है और वो सुन रहा है तब तो आएगा बड़ा मजा, जिस वक्त लगेगा कि दुर्गेश्वर जी ज्ञान फैलने लगे आपको लगेगा चालू हो गया ये भी बाबा, ठीक है आप मुंह से नहीं बोलोगे लेकिन मन से बोलोगे जी। और मैं तो सबको यही कहता हूँ भाई, जब तक मेरी बात में मजा आए तब तक सुन, और जैसे ही बताना बंद हो जाए समझ लेना दुर्गेश्वर आ गया, बाबा जी चलेंगे। अरे तो हकीकत है ये, मतलब उसके अलावा कोई है ही नहीं ना। बिल्कुल, अब लोग लोगों को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन वो मजे ले रहा है, वो देखता सब है, बोलता कुछ नहीं, ठीक है। दुर्गेश्वर जी 10 मिनट के लिए रोज आ जाया करो सेशन में। बहुत बढ़िया, ये मतलब ये होता है कि मतलब आप तो खड्डा खोद ही रहे हो, यानी कि तैयार खड्डा से सिर्फ खुद जाएगा, दुर्गेश्वर जी को खड़ा किया जाएगा, धक्का। दुर्गेश्वर जी गुरु भाई, गुरु भाई एक विषय है, हाँ एक निवेदन है, अभी तो क्या कि आप आए हैं केवल मात्र ट्विटर ट्रेंड के लिए, अगली बार जब आएंगे तो अनुभूति के लिए आएंगे, अनुभूति सुनाने के लिए, और ताकि एक बार एक एक सेशन और हमको देना पड़ेगा आपको। जी सर, एक सेशन हमें और देखिए, आपने बोल दिया मिठू नहीं बनना चाहिए। जी जी जी, नहीं नहीं वो तो ठीक है, वो तो समझ रहे, गुरुदेव के मुंह में मिठू बनिए आप, तो गुरुदेव के जैसा वो बोलेंगे वैसा ही बोलिए आप तो। चलो देखेंगे, मैं देखिए मेरी तरफ से तो ना है। जी जी जी, मैंने धर्मेंद्र जी को उस दिन कहा था मेरी तरफ से ना है भैया, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, और आप सबको भी यही कहता हूं मैं दोबारा नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं मेरी मर्जी से आता नहीं, मेरी मर्जी से जाता नहीं, वो जहां भेजेगा वहां जाना पड़ेगा भाई साहब, हंस के जाऊंगा तो जाना पड़ेगा, और रो के जाऊंगा तो जाना पड़ेगा, वो पक्का भेजेगा हमारे लिए भाई साहब, चिंता मत करो। है अब वो देखो गुरुदेव पक्का भेजेंगे, अब वो देखो वो उनकी इच्छा है। भाई साहब यदि उनकी इच्छा नहीं होगी ना तो कल हार्ट अटैक आएगा, दुर्गेश्वर जी चलते बनेंगे, और उनकी इच्छा होगी तो फिर वो कब्रिस्तान से भी उठ के आ जाएंगे, यार नहीं पहले सेशन करके आता हूँ, उसको कहता हूँ लकड़ियां बाद लगा के रख, आके लेता हूँ। सुंदर है जी, बहुत सुंदर है, और आपने आज के सेशन में आकर के बहुत एक बहुत सुंदर बात कही है, और हम सब इसको फॉलो करेंगे, साथ में अपने ट्विटर का अकाउंट बना करके सब लोग काम करेंगे। अब एक घंटा पूरा हो गया है और हम चाहते हैं कि ये सेशन को आप एंड करें, और हाँ ठीक जी गुरु भाई, आप कुछ और कहना चाहें तो उनकी बात जी जी जी। हाँ मैंने कुछ गलत कह दिया, किसी को बुरा लगा तो भाई माफ चाहता हूँ उससे। वो तो बढ़िया है जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत साधुवाद आपका, आप हमारे बीच में पधारे, और अब में हम इस सेशन का ये एंड करते, पूरा एक घंटा हमारे सेशन को हो गया है, और गुरु भाई ने हमारे बीच में आकर के गुरुदेव के बारे में जो बताया हम सबके लिए बहुत
ये बहुत सुव्यवस्थित और बहुत आनंददायक विषय कि गुरुदेव किस प्रकार अपने शिष्यों के बीच में रह करके काम करते हैं। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, मंत्र जप करते रहिए और ध्यान करते रहिए सुबह शाम और अपना जीवन चलाते रहिए, सब गुरुदेव को सौंप करके। ज्योत्सना गुरु भाई, ऑल टू यू। थैंक यू गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तीसरी बार, मतलब सिर्फ मैं नहीं, सभी को सुन रहे हैं आपके मुख सिरमुख से जो गुरुदेव बोल रहे हैं। आप सच मानी मैं उस सेशन में भी रो रही थी, आराम से सभी कोई भावुक हो जाते हैं जब भी गुरु की बात होती है। देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, यदि आप भावुक होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कबीरदास जी का दोहा है वो सुन लीजिए जी। वो कहता है प्रेम छिपाया ना छिपे जा घट पर घट होए। जी जी बिल्कुल, जो मुख तो बोलत नहीं तो नयन देत है। हाँ। जी बिल्कुल, मतलब जब आप मुंह से नहीं बोलोगे उसको तो वो आपकी आंखों से बाहर निकल आएगा। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका आपके हृदय में उस परम पिता के लिए प्रेम प्रकट हुआ है। जी जी सर, सब उनकी ही कृपा है सर, सब उनकी इच्छा से है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ, अपना तो कुछ है ही नहीं। और सर आपने इतना जोश हम सब में भर दिया है सर कि ट्विटर पे तो जरूर सारे कोई धमाल मचा के रखेंगे, चकते फटते उस दिन जरूर। मतलब आड़ुओं वाली बात की इस बार ट्विटर करके घर पे ले आएंगे। बिल्कुल सर, सभी उनके बच्चे बहुत एक्टिव हैं सर, बहुत समर्पित हैं और जरूर दिमाग को मचेगा सर। आप मानते नहीं हो, एक एक बच्चा 1.25 लाख के बराबर है। बिल्कुल सर, ठीक है। तो हमारे को इस पृथ्वी को आग लगानी हो तो हम 5 मिनट में साफ करते थे, लेकिन वो पिताजी बैठे रहते, हमको कहते अच्छा घर में आग लगाएगा ठहर। जी जी सर, तो मेरा बचा वेस्ट में ज्यादा करो, मेरा टारगेट वेस्ट है। नहीं वेस्ट में, वेस्ट में बोलो ना गुरुदेव ने, ये समय समय पे होता है। वेस्ट में लगभग लगभग उन्होंने काम अपना खत्म कर लिया, इस वजह से मेरे को वहां से कहा अभी तू यहाँ थोड़े दिन रुक, अभी ये टिटर वाला काम करते हैं, फिर बाद में अपन वापिस चालू करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत धन्यवाद सर, आप यहाँ पर आए, हम सभी को इतना मोटिवेट किया सर। हम लोग तो यही चाहेंगे कि गुरुदेव आपको बार बार भेजते रहे इस सेशन में, ताकि हम लोग हमेशा ऐसे ही मोटिवेट होते रहे, जो हम लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा बातों पे कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा मंत्र जाप नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मुझे योगी क्रिया नहीं हो रही, इस सब बातों से हट जाए मन हमारा, सिर्फ अपने लग जाए। यदि यदि गुरुदेव की कृपा हुई तो दोबारा अपन ध्यान पे ही बात करेंगे। जरूर सर, जरूर, ठीक है, जब भी अगला सेशन होगा तो ध्यान पे ही बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हम सभी जो ध्यान पे भ्रांतियां हैं लोगों की वो खत्म कर दूं मैं। मुझे भी ये काफी समय से हो रहा था कि ध्यान के मामले में भी मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो अपन नेक्स्ट सेशन रखेंगे ना, जब भी मैं आऊंगा तब अपन ध्यान पे ही बात करेंगे। जी जरूर सर, जरूर सर, बहुत भरवा दी है भाई साहब, गुरुदेव ने हाँ भरवा दी है आपसे। मतलब अब क्या बताऊं यार, वो लाल टेन तो दिखानी पड़ेगी। कुछ बोलने लायक नहीं रहे, अब सर को आना ही होगा। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये ध्यान ध्यान वाले पे मेरे को बहुत जरूरी बात करनी है, इस पे बहुत जरूरी बात है। जी जी सर, अपन अगले सेशन में करेंगे, इस पे बात करेंगे। जी सर, बहुत सारे साधक हैं जो परेशान हैं। पहले हम बात ट्विटर वाला काम करेंगे, ध्यान वाला बिल्कुल अपन बाद में करेंगे। बिल्कुल सर, जरूर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, जितने भी साधक यहाँ पे जुड़े हुए गुरु भाई बहन, सबको हृदय से नमन है। आप सभी के अंदर से गुरु बोले और जब मेरे गुरु बोले तो सब सुने, ये पूरी सृष्टि पूरी जागृत हो जाए और सभी कोई गुरुमय हो जाए, पूरी सृष्टि गुरुमय हो जाए, बस यही हृदय से कामना आज मेरी हो रही है गुरुदेव के लिए कि जैसा गुरुदेव हमें बनाना चाहते हैं हम वैसा ही बने। जय गुरुदेव आप सभी को, कल सुबह के सेशन में मिलते हैं 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको अगेन, और नाम जप करते रहिए और ध्यान करते रहिए और इस सेशन पे जय गुरुदेव, मिलते हैं कल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।